अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां शहर में स्वच्छ अमृत महोत्सव 2022 के तहत बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा 56 दुकान परिसर में इनक्रेडिबल इंदौरीज टीम का लॉन्चिंग की गई। टीम के इनक्रेडिबल कैप्टन के रूप में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए क्रिकेटर वेंकटेश राजशेखर अय्यर को चयनित किया गया। महापौर ने उन्हें कैप्टन कैप भी पहनाई। इस अवसर पर वेंकटेश ने कहा कि मैं जिस जोश के साथ खेल मैदान में क्रिकेट खेलता हूं, उसी जोश के साथ देश की सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर के लिए भी काम करूंगा। वेंकटेश ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं इंदौर में रहता हूं और जिस प्रकार खेल के मैदान में छक्का मारता हूं, उसी प्रकार से इंदौर के इनक्रेडिबल टीम के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं यह नहीं कहता कि मैं इंदौर का हूं, मैं यह कहता हूं कि मैं देश की सबसे क्लीन सिटी इंदौर से हूं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत देश भर में इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर की इनक्रेडिबल इंदौरीज टीम की लॉन्चिंग की गई है। इंडियन स्वच्छता लीग के तहत इंदौर के टूरिस्ट प्लेसेस को कैसे और बेहतर एवं आकर्षित बनाया जाए, इसमें इंदौर की भागीदारी के लिए लॉन्चिंग कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि इंडियन प्रीमियर लीग के तहत इंदौर के लिए बनाई गई टीम में अपना रजिस्ट्रेशन करें और अभियान को सफल बनाएं। इस मौके पर 56 दुकान को भट्टी फ्री मार्केट करने का एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा का प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इंदौर के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए व अहिल्या वन को विकसित करने में सहयोगी IICI बैंक, HDFC बैंक एवं यंग इंडिया एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छता प्रभारी अश्वनी शुक्ल ने बताया कि स्वच्छता गतिविधियों और कचरा मुक्त शहरों के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाना है। 17 सितंबर को युवाओं की रैलियों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने कहा कि इंदौर जिस प्रकार स्वच्छता में 5 बार नंबर वन रहा है, 6ठी बार भी इंदौर स्वच्छता में नंबर वन रहेगा। अपर कमिश्नर संदीप सोनी ने बताया कि 2 लाख से अधिक युवा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। ये इंदौर के सभी टूरिस्ट स्थान पर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री स्थान घोषित करने में मदद करेंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नगर निगम द्वारा 3 टीमें बनाई जाएंगी। फिर से इतिहास रचेंगे, स्वच्छता में 5 बार नंबर वन आने के बाद इस लीग को भी जरूर जीतेंगे और इंदौर के युवा टूरिस्ट प्लेसेस पे इनोवेशन के साथ स्वच्छता के अभियान को आगे ले जाएंगे, को बढ़ाएं और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया ही नहीं सबसे क्रिएटिव सिटी ऑफ इंडिया भी हम बने। जो हमारे आइडियाज लेंगे स्वच्छता को लेकर, हम उसको अपना समझ के करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएं और स्वच्छता का छक्का लगाएं।